हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज़। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर का थेल्स थ्योरम, जिसमें सेकंड नंबर में हमसे क्या कहा था, इफ अ लैंड डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लैंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसके पहले हमने थेल्स थ्योरम में फर्स्ट नंबर में डिस्कस किया था, उसका अपोजिट ये कह रहा है हमें कि कोई भी लैंड है, जो ये हमारा लैंड है डी ई लैंड है, इफ़ अ लैंड डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो ये डी ई लैंड इस ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड्स को डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो, ये हमें दे रखा है। तो हमें बताना है कि डी ई पैरेलल होंगे बी सी के, ये हमें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले हम लोग बोल देते हैं लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल, जिसमें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेयर डी ई जो हमारे डी ई लैन है, डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी साइड्स इन द रेशियो या इन द प्रपोर्स या मैं लिख सकता हूँ इन द प्रपोर्शनली मैं बोल सकता हूँ इन द रेशियो, मैं रेशियो नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, डी ई डिवाइड्स ए बी एंड ए सी साइड्स इन द प्रपोर्शनली ए वी एंड ए सी साइड्स इन द प्रोपोर्शनली डी एंड ई पॉइंट्स। हाँ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी एंड ई, यहाँ पे मैं सेम पॉइंट्स बोल देता था, सेम प्रोपोर्शनली ऑन डी एंड ई पॉइंट्स, ठीक है। डी ई हमारा क्या है, डिवाइड कर रहा है ए बी एंड ए सी साइड्स को, वो भी सेम प्रोपोर्शनल में ऑन डी एंड ई पॉइंट्स पे, ठीक है, ऑन डी एंड ई पॉइंट्स पे। अब हम लोग यहाँ से इसके कहने का मतलब कहते हैं, मैं बोल सकता हूँ इसके कहने का मतलब है ये क्या हमें से डेट बोल रहा है, से डेट हमें दे रखा है यहाँ पे, यह बोल रहा है यह क्या हमें कि जो ए डी अपॉन डी वी है वो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के, ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो हमें ये दे रखा है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये डी ई लाइन पैरेलल होंगे बी सी लाइन के। मैं इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, देन मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देन प्रूव डैट डी ई पैरेलल बी सी। तो मैं यहाँ से क्या कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन में मैं बोल सकता हूँ डी एम जो हम यहाँ से डी से मैं परपेंडिकुलर ए सी लाइन पे ए सी साइड्स पे मैं डाल देता हूँ एंड ई से परपेंडिकुलर मैं ए बी साइड्स पे डाल देता हूँ, देन ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैं इसको एम बोल देता हूँ एंड इसको एम, एंड इस डी सी को मैं मिला देता हूँ एंड इस बी ई को भी मैं मिला देता हूँ। इसके पहले मैंने ऐसा ही किया था कंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर में बताया था कुछ इसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन किया था। देन मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड यहाँ पे जो हमारा ई एन है, ई एन भी परपेंडिकुलर है ऑन कहाँ पे, ए बी पे, ठीक है। एंड मैं यहाँ से और क्या बोल सकता हूँ, एंड मैच डी एंड ई सी पॉइंट्स, एंड मैं बोल सकता हूँ एंड मैच बी एंड बी एंड मैं क्या बोल सकता हूँ ई पॉइंट्स, ठीक है। डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी हमारा एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी मैंने कंस्ट्रक्शन किया और मैच कर दिया हमने डी एंड सी पॉइंट्स को एज वेल एज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे बढ़िया, एज वेल एज मैच बी एंड ई पॉइंट्स, ठीक है। देन यहाँ से हमें अब क्या करना है प्रूफ में,
मैं प्रूफ में अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, वेयर एंड सॉरी वेन, हमारा जब बेस ए डी हो, ए डी हमारा बेस हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेन बेस हमारा जो बेस है, वेन बेस इज ए डी देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू, ए डी बेस है तो हमारा बेस तो ए डी हो गया, ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा ई एन हो जाएगा। एंड यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई में क्या बोल सकता हूँ, हाफ इंटू ए डी, बी डी तो हमारा बेस हो गया एंड बी डी हमारा बेस हो गया एंड देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, देन मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ई एन हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया क्योंकि फर्स्ट हमने इसको बोल दिया। देन मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं बोल सकता हूँ अब अगर हम यहाँ से इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में को डिवाइड कर दें, सेकेंड डिवाइड थर्ड फ्रॉम सेकेंड डिवाइड थर्ड इक्वेशन, तो मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। हमारे यहाँ से क्या आ गया, ए डी अपॉन बी डी आ गया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अब मैंने जब बेस को ए डी लिया, ठीक है, अब मैं बेस को जब ए ई ले लूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वेन बेस इज ए ई, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बोल सकता हूँ, ये हमारा जो ए डी ई ट्रायंगल है मैं उस ई ट्रायंगल को ले लेता हूँ, लेकिन इस पर ए ई बेस है तो हाइट कौन सा हो जाएगा, डी एम हाइट हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। एंड जो हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी एम हाइट हो गया जब हमने ए ई को बेस लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसकी बात कर सकता हूँ, जब ए ई हमारा बेस हो, एंड जब ई सी हमारा बेस होगा तो मैं ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में जाऊँ, जब मेरा बेस ई सी होगा तो मैं कौन सा ट्रायंगल में ले लेता हूँ, ई सी बेस है तो मैं अगर इस ट्रायंगल में जाऊँ बी ई सी तो इसका तो कोई हाइट ही नहीं हमें गिवन है, लेकिन मैं इस ट्रायंगल में अगर जाऊँ बी ई डी वाले ट्रायंगल में, मैंने इसके पहले बी ई डी में गया था, ठीक है, तो इस बार मैं डी ई सी वाले ट्रायंगल में चलता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ इंटू डी ई सी, ई सी हमारा बेस है, ठीक है, ई सी हमारा क्या है, बेस है, देन हाइट कौन सा है हमारा, ई एन हाइट है, ई एन हमारा हाइट है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन एंड ये हमारा हो गया फिफ्थ इक्वेशन। डिवाइड कर देता हूँ मैम फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड सॉरी फोर्थ डिवाइडेड फाइव, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू ई एन, ठीक है, हाफ हाफ कैंसल हो गया एंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैं अगर ये वाला बेस लूँ, अच्छा ये बेस लिया तो हाइट डी एम हुआ, हाँ मेरा यहाँ पे हाइट डी एम होगा, मैंने अगर ये ए ई को देखो यहाँ पे मैंने जब ई सी को बेस लिया तो इस आधार को आगे बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर तो ये वाला है डी एम वाला, तो मैं डी एम को लूँगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डी एम हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, तो डीएम डीएम कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया ए ई अपॉन ई सी। देन हमारा यहाँ पे क्या आया, पहले हमारा पहले आ गया ए डी अपॉन बी डी एंड नेक्स्ट में आया हमारा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन दे रखा है, ये हमारा गिवन ही है ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी वी या बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, हमें गिवन है ए डी अपॉन, हमें यहाँ से देख सकते हैं आप लोग क्या गिवन है, डी बी या बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें गिवन है, तो ये ए डी अपॉन बी डी है
एंड ये ए अपॉन ई सी है, मैं इसके एरिया को लिख लेता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ये इसकी इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हो जाएगा यहाँ पे, वो इक्वल है किसके, ये वाला इक्वल है इसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सॉरी डी ई सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हमें ये आ गया यहाँ पे, ठीक है हमारा यहाँ पे ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। अब देख सकते हैं आप लोग कौन सा एरिया है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे बी डी ई, बी डी ई ये वाला ट्रायंगल, ये हमारा क्या है ट्रेपीजियम है, एंड ये ट्रेपीजियम है एंड ये वाला ट्रायंगल है, एंड ये भी हमारा क्या है ट्रायंगल है डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारा ये भी ट्रायंगल इक्वल है एंड हमारा ये भी ट्रायंगल इक्वल है, देन आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जब हमारा दो ट्रायंगल यहाँ पे इक्वल है एंड ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, हमें पैरेलल सॉरी प्रूव करने को करा, तो हमारे ये वाले ट्रायंगल तो इक्वल हुए ना, इक्वल हो गए ये ट्रायंगल एंड डी ई दोनों में कॉमन है, डी ई दोनों में कॉमन, इसमें भी डी ई एंड इसमें भी डी ई है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ देन हमारा क्या हो सकता है डी ई जो हमारा होगा यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे बी सी के, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दुनिया हमारा हो जाएगा क्या प्रूव्ड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे थेल्स थ्योरम के अपोजिट थ्योरम को भी प्रूव कर दिया एंड ये हमारा थेल्स थ्योरम यहाँ पे खत्म होता है एंड इसके कुछ और थ्योरम्स होंगे मैं उस थ्योरम को लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।